ग्यारसपुर में स्कूल खोलने के संबंध में पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्यारसपुर में रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश में विकासखंड स्तर पर सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि इस निर्णय के अनुसार ग्यारसपुर मुख्यालय पर सीएम राइज स्कूल बनना था, जो कि ग्यारसपुर में न खोलते हुए उसे गुलाबगंज कर दिया गया है, जिसके लिए कहकर तर्क दिया गया है कि ग्यारसपुर में पर्याप्त शासकीय जमीन नहीं है। अगर देखा जाए तो ग्यारसपुर में इसे कई सरकारी भवन है जहां स्कूल कॉलेज आसानी से बन सकता है। निशंक कुमार जैन ने कहा कि यह गंज बासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ दुर्व्यवहार है, उनका यह हक था। कृषि उपज मंडी, स्कूल कॉलेज, हॉस्पिटल ग्यारसपुर मुख्यालय पर विधानसभा क्षेत्र में बनना अति आवश्यक है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ब्लॉक मुख्यालय के स्कूल दूसरी जगह जा रहे और हमारे जनप्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि किसी दूसरे जनप्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे समस्या परे है। बासुदा के विधायक जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी की सरकार है, वो बिलाक मुख्यालय का स्कूल कहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं गंज बासुदा की जनता को उन भाजपा नेताओं से जरूर पूछना चाहिए जिनके कहने से उन्होंने चुनाव में मताधिकार दिया है। हमने तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यदि मैं जीतता हूं तो ग्यारसपुर में इसी चौराहे पर मैं बोल के गया था ठेला पर खड़े होकर अपने भाषण में कि ग्यारसपुर में मंडी भी खुलेगी, कॉलेज भी खुलेगा और स्कूल तो कहीं जा नहीं सकता था, जो यहाँ की सुविधाएं वो यहाँ पर मिलती। और निश्चित तौर पर मेरा एक सपना था कि ग्यारसपुर को पर्यटन के मानचित्र पर हम जरूर पहुंचा के रहेंगे, खैर वो एक अलग बात है। तो मेरा आपके लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेताओं से कहना है, चाहे वो पद पर हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वह अपने स्तर पर चूंकि स्वयं वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विदिशा जिले से नेतृत्व किया, पूर्व में विदिशा जिले में 3 प्रभावी मंत्री भी रहे, आप भी यहाँ से 5 साल ग्यारसपुर क्षेत्र से विधायक रहे, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि ग्यारसपुर विकास शून्य क्यों माना जाता है। देखिए, मैं निश्चित तौर पर गंज बासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहा, मैं विपक्ष का विधायक, लगातार जितना संघर्ष हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए किया, कोई इसका पूर्व आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप बताएं। एक विपक्ष के विधायक के नाते जो हम कर सकते थे वो हमने पूरे प्रयास किए। सत्ता होती और काम नहीं होता तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते, हमारी पार्टी जिम्मेदार होती। आज 16 साल से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस क्षेत्र के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। जनता को पूछना पड़ेगा, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पे दी हम हो तो और दूसरी पार्टी हो तो भी, मगर जब किसी को ये लगता है कि बिना मेहनत के ही, बिना कुछ किए ही चुनाव जीत सकते हैं तो क्यों मेहनत करें, क्यों विकास के कार्य करें। चुनाव आएगा फिर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाएगा और चुनाव के बाद फिर 4.5 साल के लिए इस क्षेत्र को भगवान राम के भरोसे छोड़ दिया जाएगा और फिर अगले चुनाव में जो होगा सो देखा जाएगा। भाई साहब, अभी सीएम राय जो स्कूल था उसकी 1100 में अति आवश्यकता थी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में 1100 क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर अब 1100 में स्थापना कराने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? निश्चित तौर पर हम अभी देखते हैं इसके बाद क्या होता है, नहीं तो आने वाले समय में पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो ग्यारसपुर की जनता के साथ हम आंदोलन करेंगे। विपक्ष के हाथ में एक यही अधिकार है, प्रजातांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। उसका भी हम आगे जाके भंडाफोड़ करेंगे। साथ ही भाई, जब देखा जाता है लगातार ग्यारसपुर में जो विकास की कोई भी बात होती है तो अपेक्षित रहता है, ग्यारसपुर क्षेत्र में कम से कम 25 गौशालाएं निर्मित हो चुकी हैं आसपास की ग्राम पंचायत, लेकिन ग्यारसपुर मुख्यालय होते हुए
नेशनल हाईवे यहाँ से निकला हुआ है। हम हमेशा देखते हैं कि गाय रोड पर बैठी रहती है, कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद भी ग्यारसपुर में गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को। गौ माता पर राजनीति करने वालों ने तो गौ माता को कुछ नहीं किया, मगर कमलनाथ जी ने अपने थोड़े से ही कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है गौशाला के लिए। सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कमलनाथ जी के कहीं ना कहीं पलीता लगाने का प्रयास किया है, काम को स्लो कर दिया। कहीं कांग्रेसी सरपंचों को पैसा नहीं दिया जा रहा, पैसा दे दी गया तो जगह नहीं दी गई, जगह दे दी गई तो अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तमाम तरह की परेशानियां सरकार के इशारे पर प्रशासन कर रहा है। भाई साहब, एक चीज और देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएं जो बन गई हैं, जहाँ पर गौशालाएं वहाँ पर रखी जा रही, पर समस्या ये आ रही है कि उनका रख रखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा, और कई गौशाला की ये स्थिति जहाँ पर 100 या 50 गाय हुआ था, जो आज वहाँ पर 10 और 20 गाय बची हैं। क्या रख रखाव क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके जो भी जनप्रतिनिधि नहीं देख पा रहे हैं? मैंने वो फिर कहा ना कि गौ माता के नाम पर 2 से जहाँ तक पहुँची और पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश की जनता को चूस रही सरकार, महंगाई के दम पर और तमाम भ्रष्टाचार के दम पर, कांग्रेस ने 11 रुपए 40 पैसे रखा था प्रतिदिन प्रति गौ माता आहार के लिए। सरकार गई, वर्तमान सरकार आई, 2.5 रुपए कर दिया। क्या 2.5 रुपए में एक गौ माता के लिए आहार आ सकता है? जब 2.5 रुपए में एक गौ माता को आहार आ सकता है वो, तो आप बता दीजिए क्या संभव है? और कमलनाथ जी ने कहा था कि हम इसको आगामी बजट में 35 रुपए करेंगे प्रति गौ माता प्रतिदिन, जिससे जब हम आहार की राशि देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। और जो गौशाला प्रबंधक है, जो प्रबंध करने वाले हैं, वो भी गौ माता को अपनी गौशाला में रखने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।